दोस्तों, प्रकृति के पास अजीबोगरीब तरीके हैं अपने आप को जाहिर करने के। हम इंसान अभी तक समझ भी नहीं पाए हैं कुछ अनयूजुअल नेचुरल फिनोमेनन्स को। इवन साइंटिस्ट बहुत सारी रिसर्च के बाद भी आज भी समझ नहीं पाए हैं कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं अगर घटती हैं तो आखिर क्यों। आज का हमारा वीडियो उन्हीं रहस्यमय प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अर्बन लावा फ्लो। अमेरिका के पास हवाई। हवाई एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो आज भी मौजूद हैं। यहां पर ऐसे कई ज्वालामुखी हैं जो 1983 से एक्टिव हैं। हालांकि किसी इलाके में एक्टिव वॉल्केनो होना सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी कभी भी किसी भी समय फट सकते हैं और उसके बाद इनसे निकलने वाला लावा सब कुछ तबाह कर सकता है। करीब 31 सालों से हवाई में मौजूद ज्वालामुखी इरप्ट होते आ रहे हैं, छोटे छोटे धमाके करते आ रहे हैं। लेकिन हवाई में स्थित जितने भी ज्वालामुखी हैं उनके इरप्शंस की प्रक्रिया बाकी ज्वालामुखियों से बिल्कुल अलग है। असल में जब कभी भी यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जमीन फाड़ कर कहीं से भी निकलने लगता है, जो अपने आप में बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। जब कभी भी यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है तो यहाँ का नजारा वाकई में हैरान कर देने वाला होता है। मानकर चलिए आप कहीं पर खड़े हो और अचानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो आपके पैरों के नीचे से ही धरती चीर कर लावा बाहर निकलने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यही बात यहाँ की सबसे ज्यादा डराने वाली है। लेकिन इसके बाद भी दूर दूर से लोग यहाँ पर इस वोल्केनो इरप्शन को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की एक और खास बात है कि जब कभी भी यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो यहाँ के ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत ही जल्द ठंडा हो जाता है और पत्थर बन जाता है। लेकिन इसकी वजह से हर तरफ लावे का ढेर लग जाता है और फिर उसे साफ करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा होता क्यों है इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर। कभी किसी बिल्डिंग में या फिर कभी किसी जगह पर आपने आग लगते हुए कई बार देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने जंगल में आग लगते हुए देखी है? यकीन मानिए, जंगल की आग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब कभी भी किसी जंगल में आग लगती है तो आग इतनी तेजी से फैलती है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। एक ऐसी ही आग कैलिफोर्निया के जंगलों में कई सालों से लगती आ रही है। हालांकि कैलिफोर्निया के जंगलों की आग बाकी जंगलों में लगने वाली आग से बिल्कुल अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगती है तो फिर इसे बुझाना नामुमकिन हो जाता है और ये आग एक दो महीने नहीं बल्कि कई सालों तक जलती रहती है। ठीक इसी तरह 2020 में भी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी थी जो आज तक नहीं बुझी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय हमारे पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कैलिफोर्निया के जंगल की इस आग को बुझा पाना किसी के बस की बात नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सितंबर 2020 तक कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग 37 लाख एकड़ जंगल को जलाकर तबाह कर चुकी है और हर दिन ये बड़ी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ती जा रही है। तबाही का मंजर कुछ ऐसा है कि इस आग की वजह से 6223 घर, बिल्डिंग्स, फार्म हाउस, खेत खलिहान सब कुछ तबाह हो चुके हैं। इस आग को बुझाने के लिए 26,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आज भी इस पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इसे काबू कर पाना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। सबमरीन वोल्केनो। आपने बड़े बड़े पहाड़ों से ज्वालामुखियों को फटते हुए देखा होगा और उसकी ताकत को भी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने समुद्र के अंदर किसी ज्वालामुखी को फटते हुए देखा है? यकीन मानिए, जमीन पर मौजूद ज्वालामुखी से कहीं ज्यादा खतरनाक समुद्र के अंदर छिपे ये ज्वालामुखी होते हैं जिन्हें सबमरीन वोल्केनो कहा जाता है। जब समुद्र के अंदर का ज्वालामुखी इरप्ट होता है तो बड़ी तबाही जन्म लेने लगती है। आपको बता दें कि समुद्र के अंदर ये ज्वालामुखी 8,500 फीट की गहराई तक मौजूद होते हैं और जब ऐसे किसी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो समुद्र की लहरें कई मीटर तक उफान मारने लगती और फिर सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा जन्म ले लेती है। इतना ही नहीं, अगर समंदर के नीचे कोई ज्वालामुखी फटता है और उसी वक्त समंदर के ऊपर कोई जहाज गुजर रहा होता है ठीक उस जगह के ऊपर, तो अचानक इस ज्वालामुखी में विस्फोट अगर हो जाए तो फिर जहाज कितना भी बड़ा हो उसे समंदर के अंदर जलमग्न होने में 2 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। हिमालयन लैंडस्लाइड्स। दोस्तों, लैंडस्लाइड एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड होना एक आम बात है और एशिया में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स हिमालय की पहाड़ियों में ही देखे जाते हैं। लैंडस्लाइड्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 2004 से अब तक लैंडस्लाइड्स की वजह से 35,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वैसे लैंडस्लाइड्स जैसी प्राकृतिक घटना तब होती है जब पहाड़ों की मिट्टी अपनी पकड़ छोड़ देती है और ढीली पड़ जाती है, जिसके बाद बड़े बड़े पहाड़ कुछ सेकंड के अंदर ही बुरी तरह से गिरने लगते हैं और लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाता। वैसे कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में हिमालय की पहाड़ियों में होने वाले लैंडस्लाइड्स की घटनाएं
30-70% तक और ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन इस पर काबू पाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो ऑन द स्पॉट होती है और इससे बचने के बारे में तो आप भूल ही जाइए। टॉर्नेडो। दोस्तों, आपने टॉर्नेडो यानी कि चक्रवाती तूफान के बारे में तो सुना ही होगा। आपको बता दें कि टॉर्नेडो असल में थंडर स्टॉर्म से पैदा होते हैं। ये असल में हवा का घूमता हुआ एक ऐसा बवंडर होता है जो सब कुछ तबाह करने की काबिलियत रखता है। देखा जाए तो टॉर्नेडोज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक वाइल्ड टॉर्नेडो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक वाइल्ड टॉर्नेडो 3 किलोमीटर जितना बड़ा हो सकता है उसका रेडियस, और इसके अंदर घूमने वाली हवा 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकती है। आप ये समझ लीजिए कि अगर इस चक्रवाती तूफान के अंदर कुछ भी आ गया तो उसका बचना नामुमकिन है। इसमें इतनी ताकत होती है कि ट्रक, बस, घर, किसी भी भारी से भारी चीज, बड़ी से बड़ी चीज को आसानी से अपने अंदर खींच सकता है, और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उन चीजों को कई किलोमीटर दूर तक फेंक देता है। ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे बचना नामुमकिन है। भले ही आज के समय इसका फोरकास्ट किया जा सकता है और ऐसे कई इलाके जहां पर इस तरह का चक्रवाती तूफान आए दिन आता रहता है, ऐसी जगह में रहने वाले लोग अक्सर अपने घरों के नीचे एक बेसमेंट बनाकर रखते हैं। जब कभी भी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरा का पूरा परिवार उसी बेसमेंट में रहने लगता है। और आपको बता दें कि इस तरह के चक्रवाती तूफान से बचने का सिर्फ यही तरीका है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आपने कई बार समुद्र के बीचों बीच उठने वाले तूफानों के बारे में सुना होगा, इन्हें अक्सर टाइफून भी कहा जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन समुद्र के बीचों बीच उठने वाले इस चक्रवाती तूफान का आकार 300 से 700 किलोमीटर जितना बड़ा हो सकता है। यकीन मानिए, अगर कोई भी जहाज इस तूफान के रडार में आ गया तो फिर उस जहाज का बचना नामुमकिन होगा। कहा जाता है कि अगर तूफान धरती पर आ जाए तो आधी दुनिया को तबाह कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि तूफान सिर्फ समुद्रों में ही बनता है। लेकिन फिर भी अगर आप कभी गलती से इस चक्रवाती तूफान में फंस जाए तो आपको बता दें कि इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इसका सेंटर पॉइंट। क्योंकि कहा जाता है कि इसके सेंटर पॉइंट में जो कोई भी रहेगा उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस तूफान की सारी ताकत इसके रेडियस में, इसके सर्कल में होती है, इसके सरकमफेरेंस में होती है। वॉल्केनिक लेक। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में एक से एक खूबसूरत झीलें मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें कि हर झील खूबसूरत और सेफ दोनों साथ में नहीं हो सकती। अगर आप किसी ज्वालामुखी के करीब किसी झील को देखें तो उसे छूना तो दूर की बात है, आप उसके करीब जाने की भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ऐसी झीलों में ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा का सब्सटेंस होता है, जहरीली गैसें हो सकती है, और धीरे धीरे ये लावा उस झील को पूरी तरीके से जहरीला बना देता है। ज्वालामुखी के करीब बनी ऐसी झीलें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। और आपको बता दें कि ऐसी एक झील कैमरून में है जिसका नाम है नियोस लेक। 1986 के वक्त इस झील से इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई कि इस झील के करीब बसे गांव में रहने वाले 1746 लोग रातों रात मारे गए थे। इसलिए कभी भी आप इस तरह की किसी झील को देखें तो जितना हो सके उससे दूर रहिएगा। दोस्तों, ये थी कुछ रहस्यमयी प्राकृतिक घटनाएं जिनके पीछे के विज्ञान को आज तक समझा नहीं जा सका है पूरी तरीके से। आशा करते हैं वीडियो आप सबको जानकारीप्रद और रोमांचक लगा होगा। अगर लगा तो इसे अपने तक सीमित न रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।